Good morning, students. Today I am going to start the new exercise, that is exercise 5.3 of chapter number 5. This is my episode number 4, and you open exercise number 5.3 of your book and question number 1. So first we will solve the question number 1. So this is question number 1 of exercise 5.3, and the question number 1 is: the histogram given in the figure shows weights of the students studying in class 8th. Study the graph and answer the following questions. तो आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और आप तीन पार्ट्स हैं उस क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 1 में तीन पार्ट्स हैं ए बी सी, और इन तीनों पार्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर इस ग्राफ को देख करके आपको बताने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव वेट मोर देन और इक्वल टू 65. तो हम इस ग्राफ में देखेंगे कि 65 जो है वो कितने 65 का जो वेट है उससे कितने स्टूडेंट्स जो है वो उसके बराबर हैं और कितने ज्यादा हैं. 65 के बराबर और उससे ज्यादा दोनों मिलके टोटल करके हमको बताने हैं. तो 65 के अगर हम 65 को देखेंगे तो ये ग्राफ में शो कर रहा है इट इज 7 65 एंड 65 टू 70 एंड 70 टू 75 इट इज 6. तो 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 एंड 75 टू 80 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 2. तो 7 प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 15. सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट इज 15 एज शोन ओवर हियर. दिस इज एंड नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव वेट लेस देन 60 केजी. तो 60 केजी का वेट, 60 केजी से जो है वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वजन जो है वो 60 केजी से कम है. तो हमको इस साइड के जितने भी होंगे वो देख करके बताने पड़ेंगे. तो 55 टू 60 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 4 है, और 45 टू 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 है, और 40 टू 45 टू 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 है, 40 टू 45 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 है. सो 12 प्लस 8 20 एंड 20 प्लस 50 टू 55 5 है. तो 12 प्लस 8 20 प्लस 5 25 एंड 55 टू 60 जो है वो 4 है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 29. सो हियर द आंसर इज 29. नाउ इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी पार्ट, इन विच इंटरवल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मिनिमम. तो सबसे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस वेट के किस इंटरवल में आते हैं. तो 75 टू 20 देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स. सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी इज 75 टू 80 केजी. एंड नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. द क्वेश्चन नंबर 2 इज शोन ओवर हियर. गिवन बिलो इज द हिस्टोग्राम डिपिक्टिंग द सैलरीज अर्न्ड बाय एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी. किसी एक कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनसे उन्होंने कितनी कितनी सैलरीज जो है वो अर्न करी, ये जो है वो हमको हिस्टोग्राम में डिपिक्ट किया गया, दिखाया गया है. स्टडी द हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो इस हिस्टोग्राम को देख करके हमको ये 4 पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर 2 के हैं उनके आंसर देने हैं. सो विच इज द क्लास साइज, व्हाट इज द क्लास साइज. तो क्लास साइज मींस द लोअर द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो अगर हम कोई भी अगर इसमें क्लास इंटरवल ले लेंगे 8 टू 10, 10 टू 12, 12 टू 14, 16 टू 18, 20 टू 22, 22 टू 24. सो द क्लास इंटरवल इज, सो व्हाट इज द क्लास इंटरवल. द क्लास इंटरवल इज 2 एंड इट इज इन थाउजेंड्स. सो इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000, इट इज
2000. So number of employees are 2000. Because जो salary in 1000 rupees. So the number of students is 2 and multiplied by 1000, it is 2000. So class size is 2000 and the B part is in which class interval the number of employees was maximum. तो वो क्लास इंटरवल कौन सा है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो मैक्सिमम है. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मैक्सिमम इस इंटरवल में है 10 to 12. सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1000 एंड 12 मल्टीप्लाइड बाई 1000, सो 10,000 to 12,000. सो दिस इज द क्लास इंटरवल इन विच द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर मैक्सिमम. हाउ मेनी एम्प्लॉइज अर्न less than 16,000 rupees, तो 16 multiplied by 1000, तो 16,000 से कम जो है वो कितने employees हैं जो earn करते हैं, तो वो हमको देखना पड़ेगा कि यहां तक 16 तक देखेंगे हम कि total हमारे कितने आ रहे हैं. तो this is 9, 9 plus 12, 21, 21 plus 14, 35 and 35 and 8, that is 43. So the number of employees earn less than 16,000 is 43. So answer is 43 as shown in over here. Now the fourth part is how many employees in all are considered. So kitne employees considered kiye gaye hain. So this is total number of employees are, we will add all these. So this is 2, this is 4, 4 plus 2, 6, 6 and 6, 6 plus 6, 12, 12 plus 12 plus 9, 21 and 21 plus 12, 33 and 2 plus 4, 6, 6 plus 6, 12, 12 plus 8, 20, and 20 plus 9, 29, 29 and 12, 29 and 12, 31, 31 and 14, 45. So total number of employees in all are which are considered are 45. So this is the four answer of the fourth part D. So now coming to the question number 4 of exercise 5.3. So now question number 4 of exercise 5.3. ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा. हमको एक हिस्टोग्राम बनाना है जिसके हमको ये डेटा दिए हुए हैं, स्पीड किलोमीटर पर आवर में और नंबर ऑफ कार्स दी हुई है और क्लास स्पीड जो है वो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 एंड 40 to 50 देयर आर 7 कार्स, 50 to 60 देयर आर 10 कार्स, 60 to 70, 14 cars, 70 to 80, 18 cars, 80 to 90, 6 cars, and 90 to 100, 3 cars. So total cars are 58. Now, with these table, we have to draw a histogram. So to draw this histogram, what we will do? We take speed class interval along x-axis. So, इसको histogram को draw करने के लिए जो ये जो class interval है, ये class interval को हम x-axis पे लेंगे. और नंबर ऑफ कार्स यानी फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे. और इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम ये एक वाई एक्सिस खींचेंगे, ये एक्स एक्सिस खींचेंगे. एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे स्पीड यानी क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस पे लिखेंगे नंबर ऑफ कार्स यानी फ्रीक्वेंसी.
और उससे पहले ये ड्रॉ करने के बाद में जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और एक्स एक्सिस पे शो करेंगे स्पीड को, वाई एक्सिस पे शो करेंगे नंबर ऑफ कार्स को, और उसके बाद हम एक्स एक्सिस का स्केल मानेंगे और वाई एक्सिस का सुटेबल स्केल मानेंगे। तो अगर हम स्केल लेते हैं एक्स एक्सिस के लिए यानी स्पीड के लिए, तो हम ये स्केल मान रहे हैं इसका 10 स्मॉल डिविजन इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 जो स्मॉल डिविजन है वो हमारे शो कर रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर को। और वाई एक्सिस पे अगर हम वाई एक्सिस पे जो स्केल मान रहे हैं उसमें लिया है हमने 10 स्मॉल डिविजन इज इक्वल टू 2 कार्स, मतलब जो 10 स्मॉल डिविजन है वो हमारे 2 कार्स को जो है वो शो कर रहे हैं। नाउ वी विल ड्रॉ अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल। नाउ 40 टू 50 इट इज गिवन एज 7, सो 40 टू 50 इन दिस इंटरवल 40 टू 50 इट इज 7, सो वी विल मार्क ओवर हियर एंड वी विल मेक ए रेक्टेंगल, एंड 50 टू 70 इट इज 10, सो वी विल मार्क ओवर हियर 10 एंड वी विल ड्रॉ ए रेक्टेंगल लाइक दिस। सिमिलरली 60 टू 70, 60 टू 70 इट इज गिवन 14 एंड 70 टू 80 इट इज गिवन 18 एंड 80 टू 90 इट इज गिवन 6 एंड 90 टू 100 इट इज गिवन 3। सो इन द सेम मैनर बाय टेकिंग द क्लास इंटरवल एंड बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ कार्स वी विल ड्रॉ द रेक्टेंगल। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड बार ग्राफ हिस्टोग्राम। सो दिस इज द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सर्किल ग्राफ्स और पाई चार्ट्स, यानी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा पाई चार्ट का है या सर्किल ग्राफ्स का है। तो ये सर्किल ग्राफ्स या पाई चार्ट क्या होते हैं? इन ए पाई चार्ट द वेरियस ऑब्जर्वेशंस और कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई द सेक्टर्स ऑफ ए सर्किल। यानी पाई चार्ट में हम जितने भी ऑब्जर्वेशंस या कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक सर्किल के रूप में, सर्किल के सेक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक सर्किल बनाते हैं उसके सेक्टर्स बनाते हैं, उस सेक्टर्स के रूप में जो भी ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ होता है उसको डिपिक्ट करते हैं, उसे हम पाई चार्ट कहते हैं। एंड द होल सर्किल रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, और जो कंप्लीट पूरा सर्किल होता है वो होल सर्किल रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो पूरा सर्किल जो है वो कंपोनेंट्स की जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसके सम को शो करता है। नाउ हियर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सेंट्रल एंगल फॉर ए कंपोनेंट। अब हर कंपोनेंट के लिए हमको एंगल निकालना पड़ेगा तभी तो हम सेक्टर बनाएंगे। भाई सर्किल तो हम ड्रॉ कर लेंगे किसी कन्वीनियंट रेडियस का, लेकिन उसके सेक्टर को बनाने के लिए जितना जो भी कंपोनेंट दिया होता है या जो भी ऑब्जर्वेशन दिया होता है उसका हमको सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। तो सेंट्रल एंगल ऑफ फॉर ए कंपोनेंट, ये फॉर्मूला है, सेंट्रल एंगल फॉर ए कंपोनेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाई सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इनटू 360 डिग्री। तो दिस विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट की वैल्यू है वो लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, यानी जितने कंपोनेंट दिए उनका सम कर देंगे, उससे डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उस कंपोनेंट के लिए सेंट्रल एंगल जो है वो निकल आएगा। नाउ देयर इज ए प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट द पाई चार्ट, यानी पाई चार्ट बनाने के लिए एक प्रोसीजर है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पाई चार्ट फॉर ए गिवन डेटा, यानी कोई गिवन डेटा है उससे हमको पाई चार्ट बनाना है, तो क्या करेंगे? देयर इज ए फ्यू स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द सेंट्रल एंगल फॉर ईच कंपोनेंट। हमको सबसे पहले हर कंपोनेंट का सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, और सेंट्रल एंगल आई हैव ऑलरेडी गिवन द फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल फॉर ए कंपोनेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू, सेम वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाई सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इनटू 360 डिग्री। तो पहला तो स्टेप ये करेंगे कि सेंट्रल एंगल निकालेंगे हर कंपोनेंट का अलग अलग, ये फॉर्मूला रख के।
दूसरे स्टेप में ड्रॉ ए सर्किल ऑफ एनी कन्वीनियंट रेडियस, फिर किसी भी कन्वीनियंट रेडियस लेकर के, कोई भी कन्वीनियंट रेडियस ले सकते हैं हम, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, उसका एक सर्किल बना लेंगे, किसी भी रेडियस को लेके, 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर, कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेकर के एक सर्किल बनाएंगे। तीसरा स्टेप है विद इन दिस सर्किल ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल रेडियस, और एक फिर सर्किल बनाने के बाद एक हॉरिजॉन्टल रेडियस खींचेंगे, और उसके बाद हम जो है फोर्थ स्टेप में स्टार्टिंग विद द हॉरिजॉन्टल रेडियस, और जो हॉरिजॉन्टल रेडियस खींचेंगे हम उसी से स्टार्ट करेंगे, उसी से मेकिंग सेंट्रल एंगल, उसी से करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होगी कंपोनेंट की, उससे सेंट्रल एंगल जो है वो ड्रॉ करना शुरू करेंगे टिल ऑल द कंपोनेंट्स आर एग्जॉस्टेड, और जब तक हमारे पूरे कंपोनेंट्स जो है ना उसमें सर्किल के अंदर नहीं आ जाते हैं तब तक हम जो है वो एंगल उसको बनाएंगे। दीज रेडियाई डिवाइड द होल सर्किल इंटू वेरियस सेक्टर्स, और ये जो रेडियस होंगे ये पूरे सर्किल को कई सेक्टर्स में डिवाइड कर देगा, और सेक्टर्स कितने होंगे, जितने हमको कंपोनेंट या ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे। नाउ शेड ईच सेक्टर विद डिफरेंट डिजाइन, और हम फिर हर सेक्टर को अलग अलग डिजाइन से शेडिंग कर देंगे, और दिस विल बी द रिक्वायर्ड पाई चार्ट फॉर द गिवन डेटा। सो दिस वी विल गेट दिस, सपोज दिस इज ए गिवन एग्जाम्पल, सपोज वी हैव ड्रॉन ए सर्किल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस, देन वी विल ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल रेडियस, एंड विद दिस रेडियस वी विल ड्रॉ द एंगल, एंड एंगल विल बी मेड विद द हेल्प ऑफ ए प्रोट्रेक्टर। प्रोट्रेक्टर की सहायता से ये जो एंगल हमारे हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग निकल के आएंगे, वो एंगल प्रोट्रेक्टर की सहायता से एंगल निकाल लेंगे, तो ये सेक्टर्स मिल जाएंगे हमको, और ये सेक्टर्स को हम डिफरेंट सेक्टर्स को अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग कंपोनेंट के जो अलग अलग सेक्टर्स होंगे उनको हम शेड कर देंगे, एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड पाई चार्ट। नाउ वी टेक एग्जाम्पल, नाउ वी टेक द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.4। सो इफ वी टेक द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.4, देन क्वेश्चन नंबर 1 इज द पाई चार्ट अलोंग साइड गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, फाइंड द सेंट्रल एंगल्स ऑफ द सेक्टर शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंस्टिट्यूएंट्स। तो उसने ये बताया कि एक पाई चार्ट, मतलब एक हमको जो है वो एक पाई चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट मतलब सर्किल के अंदर जो है वो सेक्टर्स दिए हुए हैं, तो इसमें वाटर की 70% है, ड्राई एलिमेंट का जो है वो 14% है, और प्रोटीन 16% है, तो इसका हमको जो है वो सेंट्रल एंगल सबके निकालने हैं, मतलब वाटर के लिए सेंट्रल एंगल निकालना है, प्रोटीन के लिए सेंट्रल एंगल निकालना है, और ड्राई एलिमेंट के लिए 40 मतलब सेंट्रल एंगल निकालना है, और सबकी जो है वो इन तीनों की, ड्राई एलिमेंट, प्रोटीन और वाटर, सबकी हमको परसेंटेज दे रखी है, लेकिन हमको सेंट्रल एंगल निकालना है। तो ये हम किस तरीके से निकालेंगे, अब सपोज वी हैव टेकन, वी नो दैट द सेंट्रल एंगल फॉर कंपोनेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाई सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इनटू 360 डिग्री। सो नाउ फॉर वाटर 70%, जिसमें वाटर 70% दिया है, अब 70% जो वाटर है कंपोनेंट जो एक दिया हुआ है या ऑब्जर्वेशन कह लो इसको, उससे सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू जो वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट कितनी दी हुई है 70, और डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू हम ऐड करेंगे 70 + 14 + 16, तो 70 + 14 = 84, 84 + 16 = 100, तो इसका मतलब टोटल वैल्यू जो है वो 100 है हमारी, तीनों को ऐड कर देंगे, तो सेंट्रल एंगल फॉर 70% वाटर इज इक्वल टू 70 / 100 × 360, एंड दिस विल कम आउट 252, एंड फॉर ड्राई एलिमेंट, ड्राई एलिमेंट का कंपोजिशन 14% दिया हुआ है, तो इसके लिए सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट इट इज गिवन 14, और सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इट इज गिवन 100, सो 14 / 100 × 360, दिस विल बी 50.4 डिग्री, एंड फॉर प्रोटीन द कंपोनेंट परसेंटेज इज 16%, सो द सेंट्रल एंगल विल बी वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट मीन्स 16
डिवाइडेड बाई सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट मीन्स 100, तो 16 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360 एंड दिस विल कम आउट 57.6 डिग्री. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.4, द क्वेश्चन नंबर 4. सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन गिवन बिलो इज गिवन बिलो ड्रॉ ए पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट दिस डेटा. तो ये हमको जो है वो किसी हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं उसका एक डाटा दिया हुआ है और इससे हमको पाई चार्ट बनाना है. लैंग्वेज दी हुई है और स्टूडेंट दिए हुए हैं. हिंदी 40 स्टूडेंट्स बोलते हैं, इंग्लिश 12 स्टूडेंट्स, मराठी 7 स्टूडेंट्स, बंगाली 4 स्टूडेंट्स, तमिल 9 स्टूडेंट्स. अब इसका हमको पाई चार्ट बनाना है. तो इसको इसका पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो हमको जरूरत पड़ती है, ये जो हमको टेबल दी हुई है इससे हम ये जो कंपोनेंट्स दिए हुए हमको 40, 12, 7, 4, 9 और इससे हमको सबसे और इसका टोटल जो है वो हमारा कितना होगा 40 प्लस. सबसे पहले इसका टोटल निकाल लेंगे. 40 प्लस 12 52, 52 प्लस 7 59, 59 प्लस 4 63, 63 प्लस 9 72. सो द टोटल इज 72. सम ऑफ द कंपोनेंट्स इट इज 72. नाउ सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी. सो सबसे पहले हिंदी के लिए हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे. सो सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी इज इक्वल टू इट इज गिवन 40. 40 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 360 दिस विल कम आउट 200 डिग्री. एंड फॉर सेंट्रल एंगल फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए हमको 12 दिया हुआ है तो 12 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 360 इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंड सेंट्रल एंगल फॉर मराठी 7 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 360 दिस विल कम आउट 35 डिग्री. एंड सेंट्रल एंगल फॉर बंगाली इट इज 4 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 360 इट इज 20 डिग्री. एंड सेंट्रल एंगल फॉर तमिल इज इक्वल टू दिस इज गिवन एज 9 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 360 इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो अब हमारे हर लैंग्वेज के लिए हमने सेंट्रल एंगल निकाल लिए हैं. दिस इज 200, 60, 35, 20 एंड 45 फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस. एंड ड्रॉ अब हमको पाई चार्ट मतलब ड्रॉ करना है. तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ड्रॉ ए सर्किल ऑफ एनी कन्वीनियंट रेडियस. तो सबसे पहले कन्वीनियंट रेडियस का एक सर्किल खींचेंगे और उसके बाद यूज ए प्रोट्रैक्टर टू मेक सेंट्रल एंगल और उसके बाद और एक ये हॉरिजॉन्टल रेडियस खींच देंगे. उसके बाद जो है वो सारे एंगल्स जो है वो जो हमको दिए हुए हैं जो निकाल के लाए हैं उनको ड्रॉ कर लेंगे और अलग अलग लैंग्वेज के लिए शेड कर देंगे. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड पाई चार्ट. थैंक यू वेरी मच. सो यू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.3 एंड 5.4. नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन एक्सरसाइज 5.5 एंड विच इज प्रोबेबिलिटी.